हाय गाइस, भाई बहुत दिनों बाद एक अच्छा विंडोज लैपटॉप आया और मैं नो डाउट एक्साइटेड हूँ। और इसका नाम है ASUS ZenBook 14 OLED। और अनबॉक्स करने से पहले ना एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम रेफरेंस लेके चले MacBook Air M1 का, तो हमने ये देखा है MacBook Air M1 के अंदर ना पूरा ओवरऑल पैकेज देखे, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ बहुत बैलेंस्ड है। विंडोज लैपटॉप के वर्ल्ड में ना थोड़ी सी चीज मिसिंग थी, बट जो प्रोसेसर इस बार इसमें यूज हुआ है और ASUS ने जो लैपटॉप बनाया है, नो डाउट भाई ये बहुत सही है। समझ में आएगा Exactly मैं क्या कह रहा हूं, पहले अनबॉक्स करके दिखाता हूं। खैर, बॉक्स ओपन करते हैं। कुछ ऐसे अपलिफ्ट हुआ है लैपटॉप, इसको एक बार मैं साइड में रखता हूं। बाकी चीजों की बात करूं तो यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी इस पार्ट की बात करूं तो यहां पर चार्जर मिलता है, जो कि 65 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है। हां, केबल तो ओके लग रही है मुझे, टाइप सी है। बाकी पावर केबल भी मिलती है, जो कि ऐसे लाइक चार्जर से कनेक्ट हो जाएगी। एक और चीज, इस वाले एरिया में इस लैपटॉप का ऐसे एक स्लीव मिलता है, कवर ही समझ लो इसको। बाकी लैपटॉप को ओपन करूं तो भाई कुछ ऐसा दिखता है लैपटॉप। मेरे पास ये कुछ हल्की से लाइक टिंट ऑफ ब्लू है इसके अंदर। और ओपन करते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, नो डाउट। और यहाँ पर बताया गया है कि नम पैड भी मिल जाता है, जो कि ASUS के बहुत सारे लैपटॉप में होता है। इसको मैं सेटअप करता हूँ। सेटअप तो मैं कर चुका हूँ। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है इसके अंदर, जो कि लेटेस्ट है और मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर है विंडोज लैपटॉप के लिए। क्यों कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, मैं सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले ना इस लैपटॉप की डिजाइन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से जो ASUS ने इस लिड पे ये अपना लोगो लगाया है इतना बड़ा, ये जो लाइंस वगैरह है, नो डाउट ये इसको बहुत अच्छा लुक देते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि ये लैपटॉप जो है पहले से ज्यादा प्रीमियम लगने लगे हैं। इनफैक्ट अगर मैं लैपटॉप की वेट की भी बात करूँ ना, 1.2 kg है, पोर्टेबल 100% ये बोला जाएगा। और अगर मैं साइड एंगल दिखाऊं तो ये टेपर्ड डिजाइन है। देखो, नीचे की साइड से थोड़ा सा लाइक ये पतला है और ये डिजाइन नो डाउट अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो सही है, क्योंकि एक फिंगर से लैपटॉप ओपन हो रहा है। इनफैक्ट पूरे लैपटॉप में ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम यूज कर रखा है, जो कि ऑब्वियसली इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। और क्योंकि इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है, तो जो शॉक्स वाइब्रेशन वगैरह होती है उससे लैपटॉप जो है सॉलिड भी है, तो ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी है। बाकी हाँ भाई, पूरी लिड जो है 180 डिग्री जा सकती है। और कीबोर्ड की भी बात करूं तो परफेक्टली लेड आउट है, मुझे तो रिस्पॉन्स भी सही लगा। खैर, जो ट्रैक पैड भी है ना, काफी बड़े साइज के, ऊपर से ग्लास है, जो कि अच्छी चीज है। और जेस्चर्स वगैरह तो ऑब्वियसली सॉर्टेड है, बट जो क्लिक्स वगैरह ना उनमें एफर्ट नहीं लगता, तो इस वजह से काफी इजी टू यूज तो लगा मुझे। और जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया था कि ये ट्रैक पैड नम पैड भी बन जाता है, जस्ट यहाँ पे टैप करना है और नम पैड आ जाएगा, अच्छी चीज है। और हाँ, वेबकैम को हाइड करने के लिए फिजिकल शटर इन्होंने दे रखा है। और पोर्ट्स की बात करूं तो लैपटॉप के लेफ्ट साइड ना एक USB टाइप ए पोर्ट है, जो कि 3.2 Gen 1 है। बाकी लेफ्ट साइड सिर्फ एक वेंट ही मिलता है एयर फ्लो के लिए। और राइट साइड की बात करूं तो दो USB टाइप सी पोर्ट है, और ये दोनों जो है थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करते हैं। बाकी हेडफोन जैक और ये जो HDMI पोर्ट है, ये 2.1 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, वैसे पोर्ट्स की सिलेक्शन ओके है, बट यार एक टाइप सी पोर्ट लेफ्ट साइड भी दे देते हैं तो बहुत सही रहता। बट हाँ, ये जो टाइप सी पोर्ट है ना, दोनों जो है 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की बात करूं तो वो तो बिल्कुल कम है यार, मेरे हिसाब से अच्छी चीज है ये। बाकी अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं लेड पे तो वहां पर थोड़ा सा फ्लेक्स है। बट पता है क्या, इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना वो बहुत फैंटास्टिक है यार। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है इसका, और ये 14 इंच पैनल है, जो कि एक ओलेड डिस्प्ले है। और साथ में 3K रेजोल्यूशन होना खुद में बहुत क्रेजी बात है। और इसके साथ टच पैनल भी है यार ये, अगर मैं इसको लाइक टैबलेट तरीके से यूज करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। बाकी एक और चीज से मैं इंप्रेस हुआ था कि 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है इस लैपटॉप के अंदर, यार वो एक्चुअली में सही वर्क कर रहा है। क्योंकि जब हम आर्टिकल स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो स्मूथनेस दिखती है 120 हर्ट्ज वाली। और क्योंकि ये लैपटॉप HDR भी सपोर्ट करता है, तो टेस्टिंग के लिए मैं आर प्लांट दिख रहा था, और 550 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, जो कि मेरे हिसाब से ओके है। HDR कंटेंट अच्छा दिख रहा है। और इफ इन केस अगर आप इस लैपटॉप को फोटो एडिटिंग के लिए देख रहे हो, तो क्योंकि 100% DCI-P3 कवर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कलर भी एक्यूरेट रहेंगे। बाकी डिस्प्ले के डिफरेंट मोड भी है, जैसे कि मैं sRGB भी शिफ्ट कर सकता हूँ, सिनेमेटिक है, विविड है, इससे डिफरेंट हो जाता है भाई पैनल। और मजे की बात, ये जो डिस्प्ले है ना, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आ रही है, तो जिससे स्क्रैचेस वगैरह कम हो, ऐसा ब्रांड का क्लेम है, मेरे को बहुत कूल बात लगी। वैसे हाँ, मैं जब इसमें कॉन्टेंट देख रहा था ना, मैंने स्पीकर भी टेस्ट करे है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेंट देखते समय बहुत अच्छे स्पीकर्स है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं। बट जैसे म्यूजिक मैंने जब सुना इसमें डिफरेंट, तो मेरे को बेस लैकिंग लगा।
आई मीन जब कंटेंट देख रहे होते हैं ना वहां के लिए इनफ बेस है, लेकिन म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा बेस चाहिए होता है तो वहां पर थोड़ा कम लगता है। अब है ना, मैं आपको थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में बातें बताता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर मिलता है 155H, बाकी 32GB की LPDDR5X रैम है और जो SSD है वो 1TB की PCIe 4.0 है। और क्योंकि ये प्रोसेसर मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ तो आप लोग के रेफरेंस के लिए मैं सारे बेंचमार्क्स बता देता हूँ। Geekbench की बात करूँ तो जो मल्टी कोर स्कोर है वो 12,000 के अराउंड आ रहे हैं, और PCMark 10 की बात करूँ तो 6,600 के अराउंड स्कोर आए, और Cinebench 2024 की मैं बात करूँ वहाँ पर मल्टी कोर स्कोर जो है 534 आया। और क्रिस्टल डिस्क मार्क की बात करूँ तो डिस्क स्पीड जो है रीड ऑलमोस्ट 5,000 के अराउंड थी और राइट स्पीड 3,500 के अराउंड थी। तो अगर इन सारे बेंचमार्क्स को ढंग से रीड करा जाए कि भाई ये लैपटॉप कहाँ पे स्टैंड करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी देख के चलूं तो मेरे हिसाब से सारे स्कोर्स अच्छे बोले जाएंगे। और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं थोड़ा गेमिंग का रेफरेंस देता हूं आपको। जैसे कि मैंने इस पे काउंटर स्ट्राइक 2 खेला लो सेटिंग्स पे, तो मुझे 100 FPS के अराउंड मिल रहे थे इस लैपटॉप में, और वहीं पे इस गेम को अगर मैं मीडियम सेटिंग्स पे खेलता हूं तो वहां पर 60 FPS के अराउंड मिल रहे थे। फिर मैंने GTA 5 टेस्ट करी और वेरी हाई सेटिंग्स में ना 45 FPS के अराउंड मिल रहे थे इस लैपटॉप में। और PUBG बैटल ग्राउंड की बात करूं, वेरी लो सेटिंग पे मैंने खेला था और 40 से 50 FPS के अराउंड मिल रहे थे। परफॉर्मेंस है ना, एकदम क्लियर वर्ड्स में मैं यही बोलना चाहूंगा यार, मैं पिछले एक हफ्ते से इसको टेस्ट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि भाई सच में फास्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं लिटरली खुश था इस प्रोसेसर से। और पता है सबसे नई चीज मेरे लिए क्या थी, कि जो इंटेल पावर्ड लैपटॉप्स होते हैं पतले वाले वो बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ के लिए नहीं जाने जाते थे, बट ये जो नया प्रोसेसर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी लाइफ बहुत इंप्रूव हुई यार। बैटरी की स्पेक्स की बात करूं तो 75 Wh की बैटरी है इस लैपटॉप में, और ASUS का ये क्लेम है कि 15 घंटे लैपटॉप चल सकता है, और मैंने इसको जितना टेस्ट करा ना गाइस, नो डाउट इसका बैटरी लाइफ जो है बहुत तगड़ी थी। और अब मैं डेडिकेटेड तरीके से आपको वेबकैम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इसका। सबसे पहली बात, फुल HD वेबकैम है, और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इस टाइम पे लैपटॉप की वेबकैम से ही ये रिकॉर्ड हो रहा है, और क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास परफेक्ट लाइटिंग भी है फेस पे, इसलिए भी बाकी जो आप ब्लर देख रहे हो ये पोर्ट्रेट ब्लर का फीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट सेकंड सबसे कूल चीज जो मेरे को लगी वो डायरेक्शनल ऑडियो थी। मतलब इसमें अगर मैं F10 प्रेस करता हूं तो देखना डायरेक्शनल ऑडियो ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम, और अगर ये फीचर ऑन होता है ना, लिटरली ये बैकग्राउंड की सारी आवाज कट कर देता है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, पहले तो मैं ऑफ करके इसको सुनाता हूँ ऑडियो को। एक तो ना मैं बैकग्राउंड में फेक थोड़ी सी नॉइस क्रिएट कर देता हूँ कैफे की, कुछ ऐसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। और अब जो है ना, इस टाइम पे डायरेक्शन ऑडियो ऑन नहीं है, और अब देखना मैं ऑन कर दूंगा इसको, और अभी लिटरली पूरी की पूरी आवाज कट कर देता है, सिर्फ उसी की आवाज आती है जो वेबकैम में बोल रहा है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है सच में। ये चीज मुझे बहुत कूल लगी। बाकी थर्ड एक और फीचर है वो AI का है, कि अगर मैं वेबकैम में नहीं भी देख रहा ना, तब भी ये जो है आई कॉन्टेक्ट बना के रखेगा, एक फेक आईज क्रिएट कर देगा, कुछ लोगों को यूजफुल लग सकता है। प्राइस की बात करते हैं, जो इस लैपटॉप का स्टार्टिंग वेरिएंट है ना वो 97,000 रुपीज से स्टार्ट होता है बिलीव, और जो वेरिएंट मेरे पास है जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है वो 1,21,000 रुपीज के अराउंड ही प्राइस रहता है, जो कि मेरे हिसाब से ओके प्राइस है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको मैकबुक एयर M1 का रेफरेंस दिया था, उसके पीछे रीजन ये था कि यार बैटरी लाइफ भी अच्छी है उस लैपटॉप की, डिस्प्ले भी, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। सिमिलर मुझे स्टोरी इस लैपटॉप की भी लगी है। मतलब मैंने आपको बताया ना, बैटरी लाइफ सच में अच्छी है इसकी, और पावर भी लेकर आता है ये, और मेरे हिसाब से स्क्रीन टच होने के बाद भी जो 3K रेजोल्यूशन मिल रहा है, नो डाउट ये लैपटॉप अच्छा है। इनफैक्ट प्रोसेसर मुझे बहुत अमेजिंग लगा इसका। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए कोई विंडोज लैपटॉप देख रहे हो ना, आप इसकी तरफ 100% देख सकते हो, मुझे तो ये लैपटॉप अच्छा लगा। खैर आपका क्या ओपिनियन है इस लैपटॉप के बारे में, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।